कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन भयावह रूप लेता जा रहा है, जिसका परिणाम हर दिन 4 से 6 हजार मिल रहे संक्रमित मरीज और राज्य में बढ़ता मृत्यु दर है। ऐसे में लालगंज और हाजीपुर भी पीछे नहीं है। लालगंज की बात करें तो यहां 8 लोगों का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया है। इसमें लालगंज नगर परिषद का एक कार्यपालक सहायक भी शामिल है। आपको बता दें कि नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में एक ही परिवार में 4 लोगों का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया है। बताया जाता है कि एक व्यक्ति के संदिग्ध मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार की क्रिया में शामिल होने वाले संक्रमित हुए हैं। रेफरल अस्पताल के डॉक्टर मुकेश पंकज ने अंतिम संस्कार की क्रिया में शामिल होने वाले सभी लोगों से अपील किया है कि जल्द से जल्द वे अपना कोरोना जांच करा लें। साथ ही उन्होंने सभी लोगों को मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की है। वहीं पुरखौली की बात करें तो यहां एक महिला का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। साथ ही मानपुर और घटारो में भी 1 मरीज मिले हैं। नगर परिषद में कोरोना मरीज निकलने के बाद अन्य कर्मचारी भी सकते में हैं। मामले में कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि सोमवार से नगर क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कराया जाएगा। दूसरी ओर वैशाली वीडियो के भी संक्रमित होने की सूचना है। हैरानी की बात है कि वैशाली वीडियो ने कोरोना वैक्सीन का 2 डोज लिया था, बावजूद उनका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया है। इससे प्रखंड कार्यालय में गहमागहमी की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारियों की माने तो अब तक कार्यालय में न तो सैनिटाइजेशन किया गया है और न ही सील किया गया है।